Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. शिवराज सिंह चौहान जी के प्रत्याशियों को रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जिताने का काम किया। ऐसे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी कुशल संगठक और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय जिसाहू लाल सिंह जी, आदरणीय राम खिलावल पटेल जी, मंच पर उपस्थित रीवा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, सीरी के सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, आदरणीय नीति पाठक जी और 30 में से 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न क्षेत्र में हैं। सारे के सारे विधायकगण जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी सम्मानित नेतागण भारतीय जनता पार्टी के हमारे रीवा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी और सातों जिलों के जिलाध्यक्ष जी यहाँ पर मंच पर विराजमान है। समय कम है इसलिए सबका नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है और बड़ी संख्या में उपस्थित किसान बंधुओं, माताएं बहने, नौजवान साथियों, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे बंधुओं, आज शिवराज सिंह जी और वीडी शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित है। किसान सम्मेलन का मौका है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के किसी राजनीतिक पार्टी को यदि किसान सम्मेलन करने का अधिकार है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जिसको किसान सम्मेलन करने का अधिकार है। हम लोग इस बात को भूल नहीं सकते कि लंबे समय तक आजादी के बाद इतनी सरकारें रहीं और मध्य प्रदेश का यदि हम दृश्य देखें, किसान को क्या चाहिए? किसान को सिंचाई का पानी चाहिए। 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का पानी था जिसको शिवराज सिंह चौहान जी ने और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 40 लाख हेक्टेयर किया जो अब 70 लाख हेक्टेयर होने वाली है। रीवा में बाणसागर की योजना बंद पड़ी थी, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बाणसागर का बांध बन गया, सिंचाई की नहरें बन गई, 2.5 लाख एकड़ में रीवा जिले में अकेले 100 नदी का पानी पहुंच गया। आज रीवा में जो भी विकास दिखाई दे रहा है वो सिर्फ बाणसागर की परियोजना का परिणाम है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत करें कि उन्होंने यहां पर हरित क्रांति लाने का काम किया है। किसान को पानी मिल जाए, किसान को बिजली मिल जाए, किसान को खाद मिल जाए, बीज मिल जाए, क्या हम कभी भूल सकते हैं कि हमारे देश में यूरिया और की क्या किल्लत रहा करती थी? ट्रकों को लूट लिया जाता था, ट्रेनों को लूट लिया जाता था क्योंकि पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध नहीं होती। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी कुशल व्यवस्था की है कि न कहीं खाद की परेशानी दिखती है, न कहीं बीज की परेशानी दिखती है। बीज मिल जाए, बिजली मिल जाए, खाद मिल जाए, पानी मिल जाए और किसानों को अच्छा उचित दो दाम मिल जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित है। समर्थन मूल्य में किसानों की खरीदी का, अनाज की खरीदी का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने ऐसा बनाया, पहले उत्पादन का और फिर खरीदी का, कि पंजाब जैसे खेती वाले प्रदेशों को भी पीछे करने का काम मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है। आज मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 पर पहुंचा है। इसके लिए घनघोर परिश्रम हुआ है, ईमानदारी के साथ काम हुआ है और अब प्रधानमंत्री मोदी जी जो किसानों, जो खेती के सुधार के लिए जो विधेयक लाने का काम उन्होंने किया है, एक लंबी सोच है। जिस तरह से धारा 370 को समाप्त करने का काम किया गया, जिस तरह से 3 तलाक को समाप्त करने का काम किया गया, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया गया, उसी प्रकार से किसानों के उपज का ठीक प्रकार से मूल्य किसानों को मिल जाए बिना किसानों को कोई परेशानी पैदा किए,
के सुधार के काम में भ्रम फैलाने का काम, वितंडावाद पैदा करने का काम किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कभी ध्यान नहीं रखा और इसीलिए मध्य प्रदेश और देश में किसानों की हालत बदतर हुई है। उसको सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उसमें भ्रम फैलाने का जो काम हो रहा है, उस भ्रम को दूर करने के लिए आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ और आप सबसे एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि हमारे दोनों अतिथियों का फिर हाथ ऊपर करके एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।